तो भैया नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। वैसे तो भैया इस दुनिया में बहुत सारे आलसी हैं, लेकिन एक टाइप के आलसी होते हैं जो भैया आपके दोस्तों में से कोई ना कोई ज़रूर होगा, वो जो जिम की मेंबरशिप तो ले लेते हैं लेकिन कल 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 करके उनका आलस उनको जिम जाने से रोक देता है। फिर आते हैं मेरे जैसे आलसी लोग जो भैया जिम का मेंबरशिप लेने के लिए भी कल कल करते रह जाते हैं। अभी भैया 11 बजने वाले हैं, अभी जस्ट अभी अभी उठा हूँ, थोड़ा नहा धो के आता हूँ, फिर चलते हैं जिम का मेंबरशिप लेने के लिए। आज तो जाना है किसी भी हालत में, क्योंकि अगर आज नहीं गया तो कैंपेन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, नहा के आता हूँ, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग। तो गाइस मैं नहा धो के आ चुका हूँ, 12 से ऊपर हो चुके हैं फाइनली। तो पहले तो भैया सबको हैप्पी होली, एंड आप सबकी फैमिली को भी हैप्पी होली, मस्ती करना, मजाक मजे करना, ठीक है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, आज हम जा रहे हैं भैया जिम ज्वाइन करने। तो जहाँ मैंने घर लिया ना वहाँ पे आसपास कोई जिम नहीं था, जो सबसे जो पास का जिम था ना वो साइकिलिंग करके भी 20 मिनट लग जाते थे। लेकिन अभी यार नया जिम खुलने वाला है यहाँ पे, 2 तारीख से ओपन है, लेकिन 5 महीने पहले से इसका पैम्पलेट मेरे पास आ रखा है। तो भैया कतई कल कल करके 5 महीने हो चुके हैं, और जो इसका कैंपेन है ना वो परसों तक है, मतलब मंडे तक है इसका कैंपेन जो है। और कैंपेन में क्या है, 2 महीने की जो फीस है वो फ्री है, जो एडमिशन फीस है वो भी फ्री है, और इसके साथ 1 महीने का फीस देना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं, ठीक है। और जो इसमें फैसिलिटीज़ दे रहे हैं जिम में भैया, बहुत ख़तरनाक फैसिलिटीज़ है। जैसे कि मैं सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक जो सुबह मॉर्निंग वो होता है, खाने का टाइम होता है ब्रेकफास्ट, तो वो फ्री है, ठीक है। और जितना मर्जी का बफे लगेगा उधर, कोई दिक्कत नहीं है। और भैया कॉफ़ी भी है, जितना मर्जी पी सकते हो। और क्या था, और क्या था, और क्या था, और क्या था, बस सॉफ्ट और कॉमिक्स पढ़ने का भी इसमें फ्री दिखा रखा है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें इसमें फ्री हैं। और ये रहा जिम, मतलब गोल्ड जिम मैं पहले जाता था ना, 3 साल पहले जब मैंने जिम छोड़ा था, तो भैया वो था गोल्ड जिम। तो भैया खतरनाक जिम होता है वो, इंटरनेशनल जिम है, ठीक है। लेकिन ये भी मतलब उसके टक्कर का तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक जिम है। आज हम यहाँ जाएंगे और भैया देखते ज्वाइन करते, और देखते भैया पहला दिन कब होगा, कितने दिनों बाद होगा, वो बात की बात है, उसका भी व्लॉग बना देंगे। पहले तो फिलहाल आज हम ज्वाइन करने जाते, क्योंकि यार ये कैंपेन हाथ से चला गया ना फिर बहुत महंगा पड़ जाएगा ये, मतलब यार मंथली फीस इसका कितना है, 7480 का मंथली फी है, तो भी बहुत महंगा पड़ेगा। अभी 2 महीने का फ्री मिल रहा है, तो अभी चलते हैं भैया जिम की तरफ और ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज घर से बाहर आ चुके हैं, हम जा रहे हैं जिम की तरफ। मैडम ने मेरी टी शर्ट वी शर्ट भी चेंज करा दी, कह रही क्या बच्चों वाली पहन रखी है। अभी फिलहाल जिम की तरफ जा रहे हैं, और एक बार मैं तुम्हें बता दूँ, ये ना फैक्ट हो चुका है, मतलब पहले तो मैं सोचता ऐसा बातें हैं खाना पीना ऐसा होता, बट नहीं, शादी के बाद ना लड़कों के पेट बाहर आ जाते हैं, ये सीरियस वाली बात है भाई। शादी के बाद लड़के आलसी हो जाते हैं, आलसी वो स्टार्टिंग से ही रहते हैं, लेकिन ना पेट बाहर आ जाता है शादी के, हर लड़के का, अगर वो शुरू से जिम नहीं कर रहे हैं तो पेट जरूर बाहर आता है, ये फैक्ट। और मैं हमें एक्टिव, अरे मैं आलसी नहीं हूँ, वो क्या हो गया, 5 महीने से लगे पड़े जिम ज्वाइन करेंगे, बट आज हम जा रहे हैं जिम ज्वाइन करने के लिए। इस मैडम को भी जिम ज्वाइन करना, पहले मैं कर लेता हूँ जिम ज्वाइन, देख लूंगा माहौल कैसा, लड़कियाँ वड़कियाँ भी आती हैं थोड़ी, तो स्टार्टिंग में थोड़ा ना लड़कियाँ तो मुझे अलाउ नहीं करे, तो नहीं, तो मैं सोच रही बाद में चली जाएगी, टाइमिंग थोड़ा अलग अलग करके ना, तो ठीक है चलो ठीक है, फटाफट चलते हैं जिम की तरफ, वहाँ आपको बता दो जिम कैसा क्या है। अंदर अगर वीडियो तो अलाउड होती नहीं है, लेकिन देखते हैं भाई क्या होता है, फिर भी बनाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है। तो गाइस हम जिम के पास पहुँच चुके हैं फिलहाल तो, और यार गाइस हमने अपना एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया हम दोनों का, जो भी हम पिक्स लेते हैं और ये रील्स काफ़ी बनाती है, तो जो भी होगा उसे अपलोड किया करेंगे। तो इंस्टाग्राम का जो लिंक होगा ना वो तो यार डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो यार अगर आपको फॉलो करना हो तो फॉलो कर लेना, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। अभी हम जिम की तरफ आ चुके, जिम आपको दिखा देते भैया क्या ही जिम है, ये देख रहे हो सतरंगी कलर का, सतरंगी बोलते क्या बोलते, ऑरेंज कलर का, सॉरी जो भी, हाँ जो भी है ऑरेंज कलर का, जो ये बिल्डिंग है ना ये पूरा जिम है, मतलब इसके अंदर डार्ट्स वगैरह सब चीज़ें ऊपर तक। तो देख रहे हो फिट 24, ये 24 आवर्स मतलब पूरा दिन चलता है ये जिम, कभी बंद नहीं होता, और साल में बस ये न्यू ईयर वाले दिन बंद होता है, ठीक है, बाकी सब बढ़िया। अंदर चलते हैं गाइस, ये है फिट 24 पूरा जिम, मतलब 24 घंटे चलता है, और यहाँ पे पार्किंग है, पूरी पार्किंग है, वहाँ तक जहाँ तक दिख रही है वहाँ तक पार्किंग है, ठीक है। अभी हम अंदर की तरफ चलेंगे, देखते भैया ये है पूरा का पूरा जिम, देख रहे गाइस। तो भैया जी इसके आगे की जिम्मेदारी तो मैं अपनी वाइफ को दे देता हूँ, क्योंकि मुझे स्टाफ से भी बात करनी कि तुम भैया थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेना, लेकिन मैडम जी पूरा टाइम कैमरा घुमाती रहती है, मोबाइल घुमाती रहती है, लेकिन भैया एंड में पता चलता है कि उन्होंने रिकॉर्ड का बटन प्रेस तक नहीं किया और कुछ रिकॉर्ड भी नहीं हुआ।
अब भैया इसके आगे जो मैंने रिकॉर्ड किया है आपको जिम थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ, उतने में ही देख लीजिए यहाँ का जिम कैसा है जिसमें मैं जाने वाला हूँ। तो ये है भैया जिम, और गोल्ड जिम से थोड़ा सा छोटा है बट कंजेस्टेड नहीं है, बढ़िया जिम है, सारे इक्विपमेंट्स हैं इस जिम में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भैया जी इस टॉयलेट में ना भैया शावर से लेके लॉन्ड्री तक सब चीज़ सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, समझ रहे हो, इतनी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ के जिम में। तो गाइस अभी जस्ट अभी हमने ये फॉर्म वॉर्म भरा है यहाँ पे, ठीक है, तो मतलब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, एडमिशन कर रहा हूँ, बट लेट्स सी, जिम तो काफ़ी अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है जिम में, बट देखते हैं यार कब से मेरा फर्स्ट डे होगा उसमें पता नहीं कितना आलस आएगा, पता नहीं कितना टाइम वेस्ट होने वाला है, लेट्स सी, देखते पहला दिन कब होगा उसका ब्लॉग हम डाल देंगे। फिलहाल यहाँ पे हम कर रहे हैं, उन्होंने जब वो हमको बाथरूम दिखा रहा तो उसने बोल दिया कैमरा अलाउड नहीं है, तो हमने कैमरा नहीं किया, वीडियो नहीं बनाई, अभी जस्ट ऐसे ही अभी यहाँ पूरा का पूरा वो करते हैं, हम एडमिशन करते हैं, फिर बाहर चल के आपको और बताते हैं, ठीक है, तो फिर बाहर चल के हम वीडियो अपना ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस यार करवा लिया है हमने अपना एडमिशन भैया इस जिम में, फिट 24, ये पीछे का साइड है जिम का, ठीक है, तो इस जिम में एडमिशन करा लिया, और भैया 2-4 एक बॉटल फ्री मिली है और कार्ड मिला, वो मैं घर चल के आपको बताता हूँ भाई, और जो यहाँ के रूल्स होते हैं ना जिम के रूल्स होते हैं जापान में वो भी आपको बताता हूँ, घर चलते हैं, घर चल के पूरा मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ जापान के जिम का क्या होता है, ठीक है, रूल्स क्या है क्या नहीं है, ठीक है भाई। तो गाइस मैं घर आ चुका हूँ, वैसे तो जिम के बाद हम गए थे सकुरा का पेड़ वेड़ देखने के लिए, बहुत अच्छा पार्क था, उसका व्लॉग भाई मैं इस व्लॉग के 2-3 दिन बाद डाल दूंगा, यानी कि कल भी डाल सकता हूँ, पता नहीं वो एडिटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, तो वहाँ गए थे, बहुत मज़ा आया, आपको व्लॉग में पता चल जाएगा, और हमने एक इंस्टाग्राम का अकाउंट भी बना रखा है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और भाई आज हम जिम गए, जिम में हमको कुछ चीज़ें मिली हैं, पहले तो भैया ये बॉटल भी मुझे फ्री मिली, उसमें इसमें आप प्रोटीन शेक बना के पी सकते हो, ठीक है, और ये कार्ड है, ये कार्ड मेरा बन चुका, फिट 24 का कार्ड बन चुका, मतलब इसी को आप टच करके अंदर जाएंगे, इसी को टच करके आप बाहर जाएंगे, ठीक है। अब आपको बता दो रूल जापान के जिम के रूल, तो भैया सबसे पहला रूल ये है कि आप मोबाइल यूज़ कर सकते हो एज अ एयरपॉड, मतलब गाने वाने आप सुन सकते हो बस, और कुछ नहीं, आप वहाँ पे बात नहीं कर सकते, फ़ोन आ रहा है किसी का तो आप फ़ोन अगर उठाना है आपको तो आप दूसरी जगह जाएं, जिम के वहीं पे एक जगह है वहाँ पे आप जाके आप बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जिम के बाहर चले जाएं कोई दिक्कत नहीं, वहाँ बात कर सकते हो, ठीक है। और कैमरा अलाउड नहीं है, क्यों नहीं है वो तो भैया क्योंकि जैपनीज थोड़े वो रहते हैं, उनकी प्राइवेसी का वो रहता है, तो इसीलिए यार यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, ठीक है। और अब आ जाता है दूसरी चीज़, आपके बॉडी में टैटू नहीं होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर से बड़ा आपके बॉडी में टैटू नहीं होना चाहिए, अगर वो टैटू आपको मिलता है तो भैया आपको वो जिम की जो आपकी मेंबरशिप है वो कैंसिल कर देंगे, और जितने आपका पैसा बचा वो आपको दे देंगे और टाटा बाय बाय बोल देंगे, ये यहाँ का रूल है, क्योंकि पता नहीं क्यों यार जापान में टैटू एक तरह से गलत मानते, क्योंकि यहाँ का जो माफिया था जैसे याकूजा बोलते हैं वो अपने पूरी बॉडी में टैटूज बनाते हैं, तो इसलिए टैटू का थोड़ा इमेज ख़राब है जापान में, इसलिए यहाँ पे टैटू अलाउड नहीं है जिम में, ठीक है। और गाइज और क्या था, हाँ यहाँ टिकटॉक रील वील यहाँ कुछ नहीं बना सकते क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, बस यही था यहाँ का रूल जापान के, ठीक है। और कल गाइज मैं थोड़ा जिम के लिए शॉपिंग करने जाऊंगा, उसका अलग से ब्लॉग बनाएंगे, उसकी भी वीडियो भाई मैं डाल दूंगा आगे चल के, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय एंड हैप्पी होली गाइज आपको एंड आपकी फैमिली को, वंस अगेन मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, सकुरा वाला ज़रूर देखना।